हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतगुरु स्टडी IQ। आज हम बात करेंगे दोस्तों क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखते हैं, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हम लेट करेंगे, उसका स्क्वायर इज आइदर इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो ये बोल रहा है कि किसी भी एक इंटीजर जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे m एक इंटीजर है। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू, हमने 3 लेट कर लिया। एज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो हमने बी को लेट किया था 3, देन बी की जगह हो जाएगा 3, वेयर वहाँ पे हमारा आर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट बी से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे 3 से छोटा होगा। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर 0, 1, 2, हाईएस्ट वैल्यू भाई 3 है, 3 से छोटा होगा और 0 होगा। When r equals to, हमने 0 पुट किया, a equals to 3q प्लस 0, दोनों बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे, सिंगल साइड कभी स्क्वायर नहीं करना, बोथ साइड हमेशा स्क्वायर करना, और ब्रैकेट कभी मत लगाना बोलना, क्योंकि ब्रैकेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बहुत ज़्यादा नंबर करते हैं एग्जाम में। a स्क्वायर equals to 9q स्क्वायर, a स्क्वायर equals to, इसमें से हमें 3 कॉमन चाहिए, ओनली 3, तो हम 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 3q² हो गया, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, 3k1, हमने इस चीज़ को k1 लेट किया है। सेकंड केस में r इक्वल्स टू 1, when r इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 3q + 1, बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे सिमिलरली, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q² + 6q + 1, 9q² + 6q + 6q कॉमन लेंगे 3, क्यू को कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए वो ही हमें कॉमन लेनी है, हमें 3 चाहिए फिलहाल, वो 3 ही लेने हैं, क्यू मत लेना कॉमन। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 के, हमने इसको लेट किया प्लस 1, यहाँ पे k1 लेट किया था हमने, तो यहाँ पे k2 लेट कर लिया। इन थर्ड केस r इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 3q + 2, बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो आंसर आएगा a स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 9q² + 12q + 4, 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, 4 को हमने यहाँ 3 + 1 लिखा है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट 3q² + 4q + 1, 3 कॉमन लिया है, क्यों भी ले सकते थे कॉमन, वैसे सिंगल फैक्टर से लिया है तो ओनली 3 लेंगे इसमें, प्लस 1। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3k + 1, उसमें 2 लेट किया था हमने k2, यहाँ पे k3, क्योंकि ये थर्ड है, थर्ड पार्ट है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, k1 k2 एंड k3 आर सम इंटीजर बाय इमेजिंग। सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, मीन्स 3k
एंड 3m+1 मीन 3k+1। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी चीज़ के आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और मैंने इस पर डायरेक्ट सॉल्यूशन इसलिए किया क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था। थैंक यू दोस्तों।